Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. This night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. Changing. We're engaged in a serious competition with China. We're dealing with the challenges on multiple fronts with Russia. नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधि शिशु। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के 24 घंटे के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने आए। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक एक करके हर आलोचना पर अपनी सफाई दी। उन्होंने मिशन एयरलिफ्ट को कामयाब बताया और काबुल में अराजकता के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अमेरिका को तालिबान से नहीं बल्कि भविष्य में चीन और रूस से ज्यादा खतरा है और इसीलिए अब उनका पूरा फोकस चीन और रूस है। लेकिन उनके संबोधन से जो चार चीजें निकलकर आई हैं, जिसमें वो राष्ट्रहित के नाम पर दलील देते हुए दिखे, वहीं काबुल छोड़ना आखिरी विकल्प था ये बताया उन्होंने, अपनी मजबूरी उन्होंने जाहिर की, साथ ही 20 सालों में करोड़ों डॉलर गंवाने का मलाल भी उनमें दिखा और अफगानिस्तान के बिगड़े हालात पर वो अशरफ गनी पर आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए। बाइडेन की मजबूरी समझिए पहले। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा एक तरह का डीकोड है, हम इसे क्यों कह रहे हैं बार बार। जो बाइडेन ने 24 घंटे के बाद आके जो सफाई दी है उसके एक पॉइंटर है ये। आप इन्हें समझिए, फिर हमारे जो जानकार जुड़े हैं उनसे इसके मायने सीधे समझेंगे। काबुल छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ये जो बाइडेन ने कहा। अब ये विकल्प क्यों नहीं बचा, इस तरह सिंपैथेटिक बात क्यों कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अमेरिकी हितों के लिए अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, ये कहना है जो बाइडेन का। यानी 20 सालों से अमेरिका का कोई हित नहीं हुआ अपनी सेना तालिबान में भेजकर। राष्ट्रपति अशरफ गनी का देश छोड़ना गलत था, ये कहना है जो बाइडेन का। गनी के भागने से काबुल में अराजकता फैली, तालिबान 2001 से ही मजबूत हो रहा था। अगर 2001 से मजबूत हो रहा था तो फिर अमेरिका का इसमें रोल क्या है और अमेरिकी सेना वहां पर क्या कर रही थी। तालिबान कंट्रोल पर लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, तो क्या बिल्कुल कोई अमेरिका को फायदा नहीं हुआ पिछले 20 सालों में? क्या बिना किसी फायदे के अपनी सेना को 20 सालों तक अमेरिका ने तालिबान में रखा? अमेरिका तालिबान से जंग बढ़ाना नहीं चाहता था, उनका यह कहना कि वो खून खराबा नहीं चाहते। अफगानिस्तान में 20 साल की लड़ाई बहुत मुश्किल थी, ये कहना है जो बाइडेन का। अफगानिस्तान में तालिबान मिशन महंगा साबित हुआ, अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत संघर्ष किया। जो उनके पूरे संबोधन की महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी सफाई की, वो इस वक्त आपको मैं बता रही हूं। मैं अमेरिका के सम्मान को सर्वोपरि रखता हूं, ये कहना है। यानी इतनी मिलिट्री मूवमेंट के बाद 20 सालों तक अमेरिका का ये डिसीजन क्या ये गलत था, ये कहना चाहते हैं जो बाइडेन। और फिर इससे सम्मान को जोड़कर अपनी सफाई देना, क्या ये एक भावनात्मक सफाई नहीं है दुनिया के आगे? Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. The world is changing. We're engaged in a serious competition with China. We're dealing with the challenges on multiple fronts with Russia, fight terrorism, and take on new threats that are here now and will continue to be here in the future. तो बाइडेन के जो मलाल हैं वो क्या क्या हैं और बाइडेन को अब क्या याद आया? वक्त गवाया,
खर्च किया, सैनिकों की जान गंवाई, 74 लाख करोड़ खर्च किए, 2461 सैनिकों की जान गई, ये कहना है जो बाइडन का, 20 साल गवाए। तो ये पूरा कैलकुलेशन समझिए, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो अपनी सफाई में दे रहे थे, उन्होंने कहा अब उन्हें देशहित याद आ रहा है, इसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया, उन्हें खर्च याद आ रहा है पिछले 20 सालों में अमेरिका की तरफ से जो किया गया, अब उन्हें अमेरिका का सम्मान सर्वोपरि लग रहा है, वो शांति चाहते हैं, यानी खून खराबा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि तालिबान के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो शांतिपूर्ण रहें, शांति बनी रहे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अपनी सफाई में सैनिकों की वापसी के बाद 24 घंटे के अंदर जो बाइडेन ने कही। तो अब अमेरिका के जाने के बाद तालिबान पर किसका कंट्रोल है, ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि 20 साल से तो अमेरिकी सेना के जरिए एक तरह से अमेरिका वहां पर राज कर रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदरजादा तालिबान का सबसे बड़ा नेता है, मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान संस्थापक है, मुल्ला उमर का बेटा है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर तालिबान के सह संस्थापकों में से एक है, और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का वो नेतृत्व करता है। अब इन सब की प्रोफाइल लगातार जी न्यूज आपको दिखाता भी रहा है। अब आप सोचिए कि क्या इनका पूरी तरह से कब्जा तालिबान पर है। और सबसे पहले चर्चा की मैं शुरुआत करूं, मेरे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जो बाइडेन के सफाई के मायने क्या है हम उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अनस मलिक के ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, ताजा हालात वहां पर क्या बने हुए हैं। काबुल शहर में आज अब जो है वो एक सेम्बलेंस ये है कि यही एक न्यू नॉर्मल है, और लोग जो है इसके इर्द गिर्द जो है ज़िंदगी गुजारना या बसर करने की आदि होने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने तालिबान के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क में लाने की बात की, जिसको इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो है वो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखेगी, क्योंकि उनके बयान और उनके एक्शन ख़ास तौर पर ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स से मुतालिक उनको जज करके ही ऐसा कोई इकदाम लिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से 3 रोज़ा जो कंसल्टेशन थी वो कंधार में ख़त्म हो चुकी हैं, और जल्द ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से कोई ना कोई ऐलान जो है अगले 4 से 5 रोज़ के अंदर कर दिया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल बताऊँ तो फिलहाल काबुल एयरपोर्ट बंद है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि टाइम बींग के लिए कतर की गवर्नमेंट जो है वो काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने की के लिए इंटरेस्टेड है, उसके लिए एफर्ट्स कर रही है, और उसके साथ ही फिर जब एक बार ये सिलसिला चलेगा तो फिर टर्किश गवर्नमेंट भी टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। तो अनस मलिक लगातार वहां की जो ताजा ग्राउंड सिचुएशन है उसकी हर रोज अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अचल मल्होत्रा मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक, दोनों मेहमानों को आप जानते हैं अच्छे से, सर आपका स्वागत है। रविंदर सिंह रॉबिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मनीष शुक्ला भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। रविंदर सिंह रॉबिन, शुरुआत में आपसे करते हुए, 24 घंटे के बाद जो बाइडेन की सफाई आना और जो दलीलें उन्होंने इसमें दी हैं, इसे कैसे समझें, इनके क्या मायने हैं? 20 साल नाटो फोर्सेस में अमेरिका का नाम सबसे आगे आता है उसमें, और उन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान में अपना राज चलाया, उसको नियंत्रित किया, लेकिन उनकी वापसी के इमीडिएट बाद आप देखिए कि काबुल की सड़कों पर नाटो फोर्सेस के झंडों को, अलग अलग देशों के झंडों को लेकर एक जनाजा निकाला गया। अमेरिका के झंडे को, यूके के झंडे को, इन सब के नेशनल फ्लैग्स के साथ जनाजा निकाला गया, एक रोष जताया गया इन देशों के खिलाफ। तो जो बाइडेन या अमेरिका ने वही गलतियां दोहराई जो रशिया ने दोहराई, रशिया ने की थी उन अफगानिस्तान में, अगर वो 20 साल रहे तो उनकी साइकी को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी संस्कृति को, उन चीजों को ना वो समझ पाए, ना उनको तरजीह दी, और लगभग बिना लड़ाई के तालिबान कब्जे में आए, कब्जा किया उन्होंने अफगानिस्तान का। और उसके अलावा अमेरिका दोहा में उन सभी लोगों से मिलता रहा, वो सभी बैठकें करता रहा उन लोगों से जिन लोगों को सैंक्शन लिस्ट में डाला हुआ था। और आज भी अमेरिका ये दावा करता है कि जो लोग कुछ वहां रह गए हैं और वो तालिबान के साथ अभी भी गठबंधन में, उन लोगों को निकालने या करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए उनसे बातचीत करता रहेगा। अब्दुल अशरफ गनी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो देश छोड़कर भाग गए थे, तब तक अमेरिका वहां पे था, अमेरिका सेना की मौजूदगी में
वो वहां से एयरलिफ्ट हुए हैं या जिस तरीके से निकले हैं, इन सब बातों को अमेरिकन प्रेसिडेंट इग्नोर कर रहे हैं। अमेरिका अपने फेलियर को भावनात्मक तरीके से अपने अपनी जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसको सही दिखाने में उन्होंने इस तरह की बातें की। ये ठीक है कि अमेरिका में पिछले कुछ इलेक्शन से लगातार ये दावा किया जा रहा था, उनके प्रेसिडेंट्स जो भी खड़े होते थे उनसे ये पूछा जाता था कि अमेरिकन सैनिकों की वापसी कब होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन वापसी इस ढंग से होगी, इस ढंग से अमेरिका भागेगा वहां से, ये बात शायद अमेरिकन को भी नहीं मालूम होगी कि इतने जल्दी से गनी को जिम्मेदार ठहराना और अपनी अपनी सफाई देना, ये दोनों कनेक्शन तो अलग अलग बातें हैं ना। क्योंकि मुझे याद है मनीष, आपको होगा, हमने दर्शकों को दिखाया था जब साहले ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की थी जी न्यूज से, तो उन्होंने कहा था कि अशरफ गनी का यूं चले जाना, अपनी आवाम को बीच में छोड़कर जाना, उन्हें दगा देने जैसा है। एक और पॉइंट जो उन्होंने कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समूह है ये उसका भी दगा देने जैसा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अमेरिका सारी जिम्मेदारी अशरफ गनी पे डाल रहा है, ये बात सच है। अमेरिका कभी तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने नहीं आए थे, 9/11 के बाद से उनका जो मिशन था कि जिन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग की थी उनको वो खत्म करेंगे, और ओसामा बिन लादेन का नाम आया था और ओसामा बिन लादेन की ऑपरेशन चलता रहा। जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार दिया तो उनका इंटरेस्ट तभी से खत्म हो गया। कोई ये नहीं कह रहा है कि अमेरिकन क्यों गए, लेकिन वो जिस तरीके से गए और जिसको सरकार में बैठा रहे हैं और वो तरीके पर लोग सवाल उठा रहे हैं, हम तालिबान को कहते हैं। और अगर हम सिर्फ तालिबान की बात न करें तो सहयोगियों की बात कर लीजिए, हक्कानी नेटवर्क की बात कर लीजिए, आप अलकायदा की बात कर लीजिए, आप आईएसआई के आतंकियों की बात कर लीजिए, ये सारे जो जिहाद हैं, जहां तक हक्कानी नेटवर्क का देखा उन्होंने हमें याद दी कि उन्होंने कितने अटैक पर, और सबसे बड़ी बात है इंडियन जो काबुल द्वारा अटैक उसका। मनीष आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, मैं इसे फौरन हम ठीक करते हैं, बीच में आपकी ऑडियो में दिक्कत है। लेकिन अचल मल्होत्रा, जिस बात का जिक्र अभी अरविंदर सिंह रॉबिन कर रहे थे और मनीष ने भी कहा, मैं ये कहती हूँ कि आप ये कह रहे हो कि हमें तालिबान से कोई खून खराबा नहीं चाहिए, अब बाइडेन को आ रही है याद शांति की, अब उन्हें याद आ रही है कितना खर्च हुआ, अब उन्हें याद आ रहा है 20 साल में बहुत नुकसान हुआ अमेरिका को, अब उन्हें याद आ रहा है कि सम्मान सर्वोपरि है, ब्रादर को पाकिस्तान से छोड़ देने के लिए किसने कहा था फिर पाकिस्तान को? देखिए पायोदी, ये बहुत ही कमजोर दलीलें दे रहे हैं जो बाइडेन अपना अमेरिका से विड्रॉल के लिए, हालांकि हकीकत है कि अमेरिका सूनर और लेटर वहां से विड्रॉ करेगा, इस बात का तो अंदेशा काफी समय था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में रायता फैलाया उसे साफ किए बिना निकल गए वो बहुत ही निंदनीय है, और खासतौर से आखिर के फेज में इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से कह लीजिए या किसी भी वजह से कह लीजिए, वो 13 उनके जवानों की जान भी गई। और जहां तक अशरफ गनी का सवाल आपने उठाया तो उसके लिए परिस्थितियां किसने क्रिएट करी, ये जो खून खराबा ना हो इस बात का क्रेडिट तो अशरफ गनी ले रहे हैं और मुझे लगता है किसी हद तक ठीक भी है। वो तब निकले जब काबुल में तालिबानी ऑलरेडी आ गए थे, उन्हें वहां तक आने के लिए रोकने के लिए किसने मनोबल बढ़ाया, वो तो अमेरिका के विड्रॉल ने बढ़ाया, तो आप अशरफ गनी को नहीं कह सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इनको जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ये बहुत ही लेम है, अपनी पब्लिक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए दे रहे हैं, लेकिन दो तीन बातें साफ उभर के आ रही है। एक तो इनकी नंबर वन पावर सुपर पावर की छवि को ठेस लगी है, एक इनके इंटरनेशनल रिलायबल पार्टनरशिप होने की क्रेडिबिलिटी को धक्का लगेगा, और आने वाले वक्त में जिस तरह से ये अब आप तालिबान को दोस्त बना के आईएसआईएस खोरासान को अटैक और टारगेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी इससे साफ जाहिर होता है कि ये इस बात पर विश्वास रखते हैं कि टेररिस्ट जो हैं या गुड और बैड भी हो सकते हैं, या टेररिस्ट जो है हमारे टेररिस्ट भी हो सकते हैं और तुम्हारे टेररिस्ट भी हो सकते हैं, यानी हम हमारे टेररिस्ट का ध्यान रखेंगे तुम तुम्हारे टेररिस्ट का ध्यान रखो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये कहा जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, तो वो तो सब बकवासबाजी है ना, बिल्कुल जबरदस्ती बात है। आपने कही अचल मल्होत्रा कि ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, सबसे बड़ी सुपर पावर उसका एक राष्ट्रपति ये कहता है कि हम शांति चाहते हैं, वो कहता है अमेरिका को नुकसान हुआ, वो ये कहते हैं 2001 से ही मजबूत था तालिबान, तो 20 साल में आपने क्या किया? और जेके त्रिपाठी, क्या वाकई ऐसा है कि 20 साल में अमेरिका को सिर्फ नुकसान हुआ, कोई अमेरिका ने फायदा नहीं उठाया? अमेरिका का चरित्र तो पूरी दुनिया जानती है। देखिए अमेरिका ने वहां पर कुछ डेवलपमेंट किए
लेकिन उस डेवलपमेंट की तुलना में जो कॉस्ट आई वहाँ पर अमेरिका की रहने की, वो सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे सारे अफगानिस्तान के लिए बहुत भारी थी, जहाँ 60,000 से ज़्यादा अफगानी सैनिक मरे, 80,000 से ज़्यादा तालिबानी मरे और 20,00,000 से ऊपर लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए। तो ये बहुत बड़ी कीमत है छोटे छोटे डेवलपमेंट्स की। जहाँ तक बाइडेन की ये बात है कि वो ये स्पीच दे रहे हैं, वो स्पीच एक सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का तरीका है, उसकी कवायद है, और इसलिए भी वो ये कह रहे हैं कि ताकि उनके डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको ये बता सकें कि हाँ भाई देखिए, हम नहीं चाहते थे कि एक नई जनरेशन अमेरिका की युद्ध करने जाए विदेशों में और वहाँ मारी जाए, इसलिए हम निकाल रहे हैं। जहाँ तक निकालने की बात है तो देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई, नवंबर 2010 में लिस्बन में नेटो कॉन्फ्रेंस में ओबामा ने कहा था, राष्ट्रपति ओबामा ने, कि अब हम अगले 2 साल में निकल जाएंगे वहाँ से, अफगानिस्तान से, लेकिन वो नहीं निकल पाए ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी। अब सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पर, एक तो सबसे पहली गड़बड़ ट्रंप ने की कि जब उन्होंने दोहा समझौता किया तो वो समझौता सिर्फ तालिबान के साथ था, उसमें अफगानिस्तान सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, और मुख्य बिंदु जो अमेरिका चाहता था कि तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर आक्रमण नहीं करेंगे जब तक अमेरिका निकल नहीं जाता, वो हुआ। तो इसमें इसका मतलब कि तालिबान को खुला छोड़ दिया गया था कि अमेरिकी सैनिकों के अलावा या नाटो सैनिकों के अलावा आप अफगानिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ जो इन्होंने किया बाइडन ने एक गड़बड़ी ये की कि कहीं भी विड्रॉल होता है, मिलिट्री विड्रॉल, तो सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप होता है। यहाँ इन्होंने एकाएक ये कह दिया कि हम छोड़ेंगे, जिससे अफगानी सेना का मनोबल गिरा। और इतना ही नहीं, ये भी सही है कि राष्ट्रपति गनी ने सबसे बड़ी बात ये भी है सर कि आप जो अपनी सफाई दे रहे हो उसमें आपने फोकस ही हटा दिया। अभी इस बात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है कि तालिबान का भविष्य क्या होगा और क्या इसे समर्थन देना है या नहीं देना है। भारत एक ऐसा देश है जो सबके साथ संयुक्त राष्ट्र में ये कहता है, G7 में ये कहता है कि हमें जीरो टॉलरेंस अपनाना होगा आतंकवाद को लेकर, लेकिन उसके बाद बाइडेन का फोकस तालिबान से हटकर रूस और चीन पर जाना, ये भी कई अपने आप में सवाल खड़े करता है। समय की बहुत कमी है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।